सुहागरात में जैसे ही पति कमरे में पहुंचा, पत्नी के उड़ गए होश। जाने पूरा मामला। कभी कभी कुछ खबरें आम आदमी को बहुत ज्यादा हैरान कर देती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसको पढ़कर आप चौंक जाएंगे। इस खबर को जानकार हर कोई हैरान है। असल में हुआ यह है कि एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के खिलाफ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत धोखाधड़ी को लेकर लिखवाई गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस दुल्हन ने अपनी शिकायत में यह लिखवाया है कि उसका पति किन्नर है। यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर के घुमापुर से सामने आया है। यहाँ के पटेल मोहल्ले की दुल्हन साधना द्विवेदी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि हाल ही में उसकी शादी अभिषेक तिवारी नाम के जिस व्यक्ति से हुई थी, असल में वह एक किन्नर है। यह बात छुपाकर लड़के पक्ष वालों ने लड़की के परिवार के लोगों से 20 लाख रुपए शादी में खर्च करवा लिए गए। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं इस बारे में। असल में हुआ यह था कि साधना द्विवेदी और अभिषेक तिवारी की शादी 5 जून को हुई थी। यह शादी काफी धूमधाम से हुई और सभी रस्में पूरी की गई। इस शादी में वर पक्ष की सभी मांगे दुल्हन पक्ष की ओर से पूरी की गई और इसी क्रम में वधू पक्ष के 22 लाख रुपए खर्च हो गए। पर वधू पक्ष वालों ने इस बात की चिंता न करते हुए शादी को अच्छे से पूरा किया। शादी के बाद में जब सुहागरात को दूल्हे अभिषेक तिवारी के किन्नर होने का राज खुला, तो दुल्हन ने इस प्रकार की धोखाधड़ी करने का कारण ससुराल वालों से पूछा। इस बात पर ससुराल पक्ष वालों ने दुल्हन को मारा पीटा तथा उसको रिसेप्शन के बाद में चुपचाप अपने घर जाने को कह दिया। इसके बाद में दुल्हन ने अपने घर फोन किया और दुल्हन के घर वाले उसको घर ले गए, जिसके बाद में दुल्हन ने पुलिस चौकी जाकर वर पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसका दूल्हा किन्नर है। इस बात को जानकार सभी लोग हैरान रह गए। वर्तमान में पुलिस दुल्हन की शिकायत पर दूल्हे के परिवार पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए मामले की पूरी जानकारी जुटा रही है।